वेलकम गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, नंबर सिस्टम, क्लास 9, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, ठीक है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें अगर उनको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस एक्सरसाइज का क्या कहता है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, पिछली वीडियो में भी बताई थी और आज भी मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था टर्मिनेटिंग और एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर हम किसी को डिवाइड करें तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स वो जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो रहा है या चलता ही जा रहा है आगे, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब उसका क्वेश्चन अगर रुक रहा है, ठीक है, कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो हम अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट बोल रहा है ये कि 36/100 है। अगर हम 36 को याद रखना, वटे में जो ऊपर वाला होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, डिवाइड जब करते हैं तो ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। पी वटा क्या हो, पी ऑलवेज डिविडेंड और क्यू क्या होता है, डिवाइजर होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्या वो टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है या चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये बताना है हमने सिर्फ। तो पहला पार्ट है 36/100। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो हमने इसको डिवाइड करना है, इसको मैं डिवाइड करने का एक तरीका बताता हूँ, ये खाली उनके लिए है जिनके डिनोमिनेटर में अगर 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरह के, मतलब किसी के डिनोमिनेटर में अगर 10 है, 100 1000, इस तरह के कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, अगर इस तरह से है किसी का तो उसको आप डायरेक्ट डेसिमल में कर सकते हैं डिवाइड करके। क्या करेंगे इसकी सोल्यूशन, जितने डिजिट नीचे हैं उतने डिजिट ऊपर करो, ऊपर 36 है तो इस तरह से इसके डिजिट बनाने हैं ताकि वो चेंज ना हो। नीचे 100 है, तीन डिजिट हैं तो ऊपर हम तीन बनाने के लिए इसके पीछे जीरो लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वन का मतलब पहले पॉइंट लगाओ, वन के आगे कितने जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में, दो जीरो, तो ऊपर से राइट हैंड साइड से दो डिजिट उठा के राइट हैंड साइड लिख लो और जो बाकी बचा वो पॉइंट के पीछे, तो यही इसका आंसर होने वाला। अब ये देखिए 0.36 जाके खत्म हो रहा, आप डिवाइड भी कर सकते हो, किसी को अगर डाउट है तो डिवाइड करके देख सकते हो। 36 को बीच में रख रहा हूँ, 100 को इधर रख रहा हूँ, 100 से डिवाइड करेंगे, ये छोटा है ये 100 बड़ा है, तो 100 जीरो आर 0 0, 36 आया, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो लग गया, 360, ठीक है। 100 कितने आर, 300 400 बड़ा हो जाएगा, हमारे पास बचा 60, पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगाया है एक डेसिमल, तो 100 600 600, तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, मींस ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया है, इसका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम कहेंगे ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। इस तरह का कोई और पार्ट देख लेते हैं, इसका एक दो पार्ट करते हैं फिर आप बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। इसका मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे कि इसका तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट करवा देता हूँ एक, और एक ये थर्ड तीसरे वाला करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह का अगर 1/11 है तो इसको आप कैसे करेंगे डिवाइड, देख लीजिए, बी पार्ट है इसका 1/11, तो इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या हमारा ये पी है, नीचे वाला क्या हुआ, तो क्या वो हमेशा बाहर आता है, पी जो है वो बीच में आता है, तो देख लीजिए 11 बड़ा है तो 11 जीरो आर जीरो करेंगे, पहले 1 बचा, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट लगाओ तो नीचे 10 बन जाएगा, 1 का 10, ठीक है। अभी भी ये छोटा है तो फिर से 11 जीरो आर जीरो जीरो, कितना 10, और एक जीरो और लग जाएगा क्योंकि पॉइंट लगाया हमने, तो अब 11 9 आर 99, ठीक है, 11 9 आर 99, ठीक है। अब कितना बच रहा है, 100 में से 99 माइनस करो तो 1 बचता है, ठीक है। फिर से क्या हो गया, पॉइंट लगाया हुआ तो एक जीरो लगाएंगे, फिर से 11 0 आर 0 0, क्योंकि हमारा ये छोटा है 10, फिर से 10 बचेगा, फिर से एक डिजिट लगाए, पॉइंट लगाया हुआ है, एक जीरो लगाएंगे तो 11 9 आर 99, मतलब अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 1 ही बचता जा रहा है और रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे दो नंबर जो हैं दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0909, यही आता जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है,
0.0909 चलता जा रहा है ऐसे, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और आप ये क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, इसका सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ये है 4 1/8, ठीक है, ये है 4 1/8। अब देख लीजिए, मतलब ये हुआ यहाँ पे 4 कंप्लीट है और उसके आगे कुछ 1/8 पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, आधे से भी छोटा पार्ट है, इस तरह से कह सकते हो, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व ऐसे कर सकते हो, देखो इसको नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वटा डालते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर 8 का 8, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 32 + 1 33/8। ठीक है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो, सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इसको डिवाइड कर लो 33 को 8 से, 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 हो गया, 8 1 8, ठीक है, 2 बचा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 8 2 16, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 0, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगा, 8 5 40, तो रिमाइंडर इसका क्या आया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसका जो है रिमाइंड 4.125 आंसर आ रहा है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसका जो है वो हमारा रिमाइंडर वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है, और इसका कोई बाकी पार्ट मेरे ख्याल में आप सारे कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है इसमें, ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे करना है, ये भी ऐसे करना है, इसको 329 को 400 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, या मैं ये करवा देता हूँ, 329/400 लास्ट पार्ट है इसका, 329/400 आई थिंक 6th पार्ट है, जो भी है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, इसको पहले डिवाइड करो, ये तो पहले से फ्रैक्शन में है, तो 329 बीच में आएगा, 400 बाहर आएगा, इसको डिवाइड कर लो, 400 0 0 0, क्यों 0 से करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो इसको इससे छोटा बनाने के लिए 0 ही करेंगे, 329। ठीक है, अब इधर पॉइंट लगा दो ऊपर, तो नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, अब 4 का टेबल किससे पढ़ें हम, तो ये बनता है 4 8 32। ठीक है, अगर 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, 3200। ठीक है, 4 8 32, तो 20 लग जाएंगे, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से 90 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ है तो 10 और लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 10 लग, ये यहाँ से 90 बचा और 10 लग गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 4 2 8। ठीक है, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, तो कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, अब भी देखिए, फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 10 लगा देंगे, 1000 हो गया। ठीक है, अब देखो 400 का टेबल किससे पढ़े, तो 1000 के पास ही आता है, वही फिर से 2 से पढ़ेंगे, 4000 2 8 100, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 0 में से 0 0, यहाँ से 10 में से 8 गए तो 200 बचा। ठीक है, अभी नीचे वो देखिए आप, ठीक है, अभी देख लीजिए, फिर से करते जाते हैं इसको, 10 और लगा लो, 10 और लगा लेंगे, क्यों लगाया 0, ऊपर पॉइंट लगा हुआ, इसलिए 10 लगेगा ही लगेगा। 400 का टेबल किससे पढ़े, तो 400 5 20 100 मीन्स 2000, तो रिमाइंडर हमारा आया ना 0 इसका। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा, आपको तब तक ये करते जाना जब तक रिपीटिंग ना आए या फिर रिमाइंडर 0 ना आए, तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमारा 0.8225 ये आया, और इसका आंसर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी आप मुझे लगता है कि सारे
कर सकते हैं इसके पार्ट्स, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर इसका जो है टू क्वेश्चन उस पर। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यू नो दैट, आप ये जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इसमें एक नई चीज़ आई है वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि 1/7 की वैल्यू ये है, हम निकालो तो यही वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सभी की, जैसे 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल में किया तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये आ रही है। ठीक है, और अगर हम इस इनकी एक्सपेंशन निकालें तो वो क्या आएगी, आर विदाउट एक्चुअल ड्राइंग द लॉन्ग डिवीजन, जैसे इसको डिवाइड करके ये एक्सपेंशन उन्होंने निकाली, आपने डिवाइड नहीं करना है, आपने डायरेक्टली बताना है। इफ़ सो हाउ, अगर ऐसा हो सकता है तो बताओ कैसे। हिंट नीचे दे रखी है इसने, स्टडी द रिमाइंडर, आप इनके रिमाइंडर्स को स्टडी करो वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो सीधी सी बात है, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 0.142857, 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू की हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है 1/42857, 1/42857 यही है। ठीक है, अब उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर एक बार लगाई हुई है ऐसे, इसके ये जो ऊपर लाइन है इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ये देख लीजिए, वन से सेवन तक सभी के ऊपर बार है। ठीक है, अब पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, उसके बाद उसने, मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे, ये जब हम 7 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब इसका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसमें 1, 4, 2, 8, 5, 7 एक बार आया, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 और इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 0.142857 यहाँ तक आया, इसके बाद फिर से यही दोबारा रिपीट हो रहा है 1, 4, 2, 8, 5, 7। इस बार का क्या मतलब है, इस बार का कि मतलब ये वाले सारे डिजिट दोबारा एक बार आके फिर से दोबारा स्टार्टिंग से आना शुरू हो रहे हैं, मतलब इन सारे डिजिटों को हम क्या कहते हैं, ये ब्लॉक, ये क्या है, इसको कहते हैं BLOC के ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक, तो ये पूरा एक ब्लॉक है जो क्या कर रहा है, ये एक बार आके उसके बाद ये इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, दोबारा से फिर से स्टार्टिंग से यही आ रहा है, यही आ रहा है, जितने मर्जी आप करते जाओ यही आता जाएगा इसका। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर 1/7 की वैल्यू ये है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो आप ये बताओ बिना कैलकुलेट किए हुए कि जैसे 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा, यहीं तक ही दिया हुआ है। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली इसको करना है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो अगर 1/7 की ये है वैल्यू ये है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/7 की वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास क्या था, 2 मल्टीप्लाई, देखो ये जो डिनोमिनेटर में तो दोनों के 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपली 2 इस 2 को इस 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0.142857 इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 7 आर 14, कैरी 1, 2 5 आर 10 और 1 कैरी 11, 2 8 आर 16 और 1 कैरी 17, फिर से कैरी 1 हो गया, 2 2 आर 4 और 1 कैरी 5, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 2 0 आर 0, यही आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, अगर किसी को मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो देख लो। ठीक है, 0.142857 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 7 आर 14, कैरी 1, 2 5 आर 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 आर 16 और 1 17, कैरी फिर से 1, 2 2 आर 4 और 1 5, अब कैरी खत्म हो गया, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 2 0 आर, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका 2/7 का ये निकल गया। ठीक है, ऐसे ही 3/7 क्या क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, 0.142857
5 7, मतलब इस 1/7 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू के साथ आपको सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। ऐसे ही 3/7 का करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 7 आर 21, कैरी 2 बचा, 5 3 आर 15 और 2 17, कैरी 1, 8 3 आर 24 और 1 कैरी 25, कैरी 2, 3 2 आर 6 और 2 8, ठीक है। 4 3 आर 12, 2 कैरी 1, 3 1 आर 3 और 1 4, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 3 0 आर 0, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। आपने 4/7 को क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.14287 के साथ। ऐसे ही आप कर सकते हो, आगे आगे वाले पार्ट आप खुद करो, ठीक है। 4/7 को, उसके बाद 5/7, 6/7, 5 को इस नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को भी इसी के साथ, आप कर सकते हो आगे, ठीक है। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी पी बटा क्यू। आप क्या करो, ये जो दिए हुए हैं इसके पार्ट्स, इनको किस में एक्सप्रेस करो, बताओ पी बटा क्यू की फॉर्म में बताओ, ठीक है। मतलब इसको रैशनल में बताना है, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा अलग ट्रिकी क्वेश्चन है, ये देख लीजिए कैसे, मैं ध्यान से समझना है इसको। ये पहला पार्ट है 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट है 0.6 और इसके ऊपर ये बार है, इस बार का यहाँ पे सारा खेल है, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अलग से दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे होता 0.6 या 1 2, इस तरह से नंबर होता। अब ये देखो, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म हो रहा है, ये नंबर खत्म हो रहा है। तो इसको हम पी वटा क्यू में ऐसे लिख सकते थे, जैसे कि पहले हम वटा डालते थे, वटे के नीचे पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा देते और ऊपर 6 1 2 लिख सकते, ये हमारा फ्रैक्शन में बन जाता। ये उस नंबर की बात कर रहा हूँ जब ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब जब हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब कि इसमें तो हमें पता नहीं ये कितनी बार 6 आएगा, 6 तो आता ही रहेगा, 6 6 6 6 6, ठीक है। इसका आंसर 6 6 6 आ रहा है, मतलब ये 6 के ऊपर बार है, तो ये 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कौन सा है, रिपीटिंग डिजिट कितना है, एक डिजिट है, 6 है, तो ये कितना है, खाली 1 डिजिट ही है ना, एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 1 डिजिट का मतलब क्या है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मतलब आपने क्या करना है, पॉइंट का मतलब आप क्या करो, इसको ऐसे लिखोगे, पॉइंट का मतलब 1, इस पॉइंट का मतलब 1, और अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके आगे 1 0, मतलब ये 10 आपने लिख लिया। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 मैंने क्यों लिखा, रिपीटिंग डिजिट के लिए, पॉइंट का मतलब 1, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो ये एक डिजिट के ऊपर बार है था, 1 0 आगे हमने लिख लेना है। यही चीज इसमें समझने वाली है, इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे हम देख लेते हैं, देखो, ठीक है। आप क्या करो, इस पार्ट को मान लो एक्स के बराबर, या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार मैंने लिख लिया, मैंने इसको इसके बराबर मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अब आप सोच रहे होंगे 10 कहाँ से आया, ये 10 यही है, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये 10 कहाँ से आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए पॉइंट का मतलब 1, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने हमने 0 लिखे, ठीक है। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक के ऊपर बार है, तो 1 0, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6। अब यहाँ पे बार लिखना छोड़ दो, हमने 10 लिख लिया ना इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.6 करेंगे तो अब ये पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.0 बन जाएगा, ठीक है। 6.0 बन गया, ठीक है। मतलब इसको हम खाली 6 लिख सकते हैं, 6.0 को 6 लिख सकते हैं।
अब इसको हमने ऐसे लिखना है, ये टेन एक्स का टेन एक्स सेम लिखना है, टेन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसमें हम ये एक्स ऐड करो, सिक्स प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। खाली ऐड नहीं, मतलब ये वैल्यू नहीं पुट करनी है, खाली सिक्स प्लस एक्स करना है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, टेन एक्स, ये वाला एक्स इधर प्लस का है, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू सिक्स। टेन एक्स में से वन एक्स गए तो कितना बचा, नाइन एक्स इक्वल टू सिक्स, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो ये एक्स और नाइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बटे में चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स बटा नाइन, ठीक है। ये कट सकते हैं, दोनों थ्री के मल्टीपल हैं, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू बटा थ्री, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको रैशनल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसका कोई और पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है 0.47, 0.47, तो इसको देख लीजिए। सो जिनको थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट टफ लगा है वो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से समझे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसमें ये जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, 0.47, और यहाँ पे सेवन के ऊपर एक बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेवन ही हमारा रिपीटिंग डिजिट है, ये सेवन क्या है, हमारा रिपीटिंग डिजिट है इस पार्ट में, तो इसको हमने रैशनल में करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.4777, ऐसे ये चलता जा रहा है ऐसे, तो मतलब सेवन ही रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक, जब भी एक डिजिट रिपीट होगा तब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टेन से करेंगे। ये टेन कहाँ से आया, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इस पार्ट को किसी वेरिएबल के इक्वेट कर दो, लिख लो इक्वल एक्स इज इक्वल टू 0.477, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये सेवन रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने ये सेवन खुद से लिखा है, ये सेवन सेवन आगे लिखा, बार हटा दी ना, मीन सेवन सेवन कर दिया, डॉट लगा दी, तो ये सेवन रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.477 मैंने ये लिख लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई किससे, ये जो टेन, ये टेन जो है इससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ये टेन कहाँ से आया आपको पता है, ठीक है, बाई टेन बोथ साइड्स। तो देखो कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में टेन को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स के साथ, राइट हैंड साइड में टेन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.477 के साथ, डॉट चलता जा रहा है, ये सेवन रिपीटेड है, ठीक है। इसको ऐसे करो, ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू, टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, जब भी किसी डेसिमल को करो तो उसका पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, ठीक है, आगे जाता है। तो ये हो जाएगा 0.477, मतलब एक जीरो है तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट चल गया, अगर दो जीरो होते तो यहाँ पे ये 100 होता तो ये 47 के बाद जीरो जाता है, यहाँ पे एक ही जीरो है, टेन है तो मतलब फोर के बाद पॉइंट एक डिजिट, एक जीरो है तो एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, 0.4777, ऐसे आप कितने भी सेवन लिख सकते हो, चलता जा रहा है आगे, ठीक है। अब देखो ये टेन एक्स इसके बराबर आया, अब हमने ये बताना है ये जो हमारा आंसर है ये वाला, इसको इसमें कितने क्या माइनस करें तो एक्स बनता है, मतलब या एक्स में कितना ऐड करें तो ये वाला बनता है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखनी है कि एक्स में और कितना जोड़ें तो ये 4.777 बनता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर लो, क्या करेंगे, जो आंसर हमारा क्या आया, 4.77, ठीक है, सेवन माइनस कर दो इसमें से, ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो चल रहा है, 0.477, मतलब इसमें से अगर इनको सेवन में से सेवन जीरो, सेवन में से सेवन जीरो, सेवन में से फोर गए तो थ्री, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, फोर का फोर, मतलब क्या हुआ कि अगर इस एक्स में आप इतना और मिलाते हो तो ये बनता है, हमेशा ऐड वाला ही लिखना है यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे बनता है, एक्स प्लस 4.3, आगे जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है जो बार बार, तो उसका जीरो आ गया, तो हम 4.3 लिखा हमने। तो इस अगर एक्स में इसमें अगर हम ये 4.3 ऐड करें तो ये आंसर आता है, समझ आई, ठीक है। तो पीछे टेन एक्स का टेन एक्स वैसे ही लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला ये पार्ट समझ आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ, टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.7, ये पार्ट हमने कहाँ से लिखा,
इसको तोड़ा, इसमें एक्स में और क्या ऐड करें तो ये बनता है, एक्स में अगर हम 4.3 ऐड करें तो ये बनता है, ये हमने कैसे किया, इसको इससे पहले माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स हमारा ये था, हमने रैशनल नंबर में इसको लिखना है, वटे में लिखना है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ 10x। अब इक्वल टू के उधर एक्स के पीछे क्या है, प्लस है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू उधर चला जाएगा, वो है ही राइट हैंड साइड में है, तो वो 4.3 प्लस का ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इधर कर लेता हूँ इसको आगे। अब देखो 10x में से एक्स गए तो कितना बचा, 9x इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ठीक है, देखो हम हमारे पास इधर 9x किस में है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, ये किस में है, 4.3 इसमें किस में है, ये फ्रैक्शन इसमें डेसिमल में है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 43 को 43/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 लगाया, 43/10 बन गया, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैंने वटे में कर लिया, तो इसको भी तो वटे में करना है मुझे, 9 के नीचे वटा डाल लो 1, इसका वटा कुछ नहीं होता, 1 कर दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 43/10 हो गया। अब देखो ये 43/10 है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 9/1। अब ये 9/1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब इसी का उल्टा रेसिप्रोकल ले लो, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसा कर लो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए, वटा डिवाइड 9/1। अब ये 9/1 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, 9/1 का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 43/10 मल्टीप्लाई 1/9। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स हमारा बन जाएगा 43 1 r 43/10 9 r 9 0 90। तो यही आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, वटे वाला नंबर यही होगा जिसकी वैल्यू 0.477 आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। इसका मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ, तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 0.001 है अब यहाँ पे, 0.001, और इन तीनों के ऊपर बार है, आप है, तो इसका मतलब ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिजिट रिपीटिंग के लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट का मतलब 1, उसके बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरोस डालेंगे यहाँ पे, 001 है तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरोस आगे डाल रहे हैं, 1000 1000। तो मतलब इसी 1000 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस नंबर को एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0.001 ये नंबर माना। अब इसमें देखो 001 ये रिपीट हो रहा है, मतलब मैंने 001 को दूसरी बार क्यों लिखा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, आगे लाइन्स लगा दी तो ये चलता जा रहा है, आपने ऐसे ही लिखना है। ये क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू ये क्या है, इसकी राइट हैंड साइड। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई किस से मल्टीप्लाई करना है, इस 1000 से। ये 1000 कहाँ से आया, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाली साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसी 1000 से इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, 0.001001, ये चलता जा रहा है, इस पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई इस 1000 को करेंगे। तो देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट जो है 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0001.001। अब देखो ये वाला 001 नेक्स्ट पार्ट आगे चलाएगा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पीछे 00 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1.001 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आया, आंसर आया कब, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये आंसर आया, तो हमने क्या करना है, इस आंसर को तोड़ना है, हमने बताना है कि जो हमारा एक्स है, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इस वाला जो हमने एक्स के इक्वेट किया है, ठीक है, इसमें और क्या ऐड करें तो ये नंबर आता है, तो वो कैसे पता चलेगा, इसको इससे माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1.001 जो है, इसमें से माइनस किसको करना है, देखो 001,
यहाँ से तीन डिजिट भी आपने लेने, यहीं तक ही लो, आगे छोड़ छोड़ सकते हो, इसको माइनस कर रहा है, ठीक है। जीरो और यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लो, तो वन में से वन गए जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो जीरो में से जीरो जीरो, पॉइंट का मतलब पॉइंट, और वन में से जीरो गए तो वन, तो मतलब खाली वन आता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या करें, एक्स प्लस वन, ये खाली 1.00 छोड़ दो, खाली वन लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.00 का कोई मतलब नहीं होता, तो एक्स प्लस वन, एक्स का मतलब ये वाली वैल्यू, अगर इस वैल्यू में हम वन ऐड करें तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा किसके बराबर है, पीछे क्या है हमारे पास, 1000 एक्स के बराबर ही है, ठीक है, यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने इस सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, 1000 एक्स में से इस एक्स वाला, एक्स वाले से माइनस ही होगा, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस का वन, उधर ही रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। तो 1000 एक्स में से अगर वन एक्स, जिस एक्स के पीछे कुछ नहीं होता कोफिशियंट, उसका कोफिशियंट क्या होता है, वन, तो ठीक है, 1000 में से अगर हम कोफिशियंट को कोफिशियंट से माइनस करेंगे, एक्स कॉमन रहेगा, 1000 में से एक गया तो पीछे कितना बचेगा, 999 एक्स इक्वल टू वन, सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बटा ये 999, उधर जाके उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा 999, तो यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये बोल रहा कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से हैरान हैं, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो ये बताए कि 0.9999 जो है इसको पी बटा क्यू में कैसे लिखना है, और आपको क्या इसमें से क्या नई चीज़ लगी है। तो पहली चीज़ इसमें क्या है, 0.999 मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट के ऊपर हम बार लगा देंगे, सिंपली 0.9 कर देंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था इसका। 9 कितनी बार है यहाँ पे, 5 बार है, 0.99999, 5 बार 9 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 5 बार 9 रिपीट हो रहा है, जो रिपीटेड डिजिट है उसको एक ही डिजिट है, 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 9 के ऊपर बार लगा देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये क्या है हमारे पास, रिपीटिंग डिजिट है, रिपीटिंग डिजिट हमारा है ये, यही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीटिंग डिजिट कितना है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए एक ही बार है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 1010, ठीक है। पॉइंट का मतलब वन, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक जीरो हमने लगा लिया, ठीक है। तो 10, अब ये 10 इसका क्या काम है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एक वेरिएबल के बराबर इक्वेट कर देते हैं इस नंबर को, एक्स इज इक्वल टू 0.999, ऐसे कर लो, ठीक है, डैश 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 लगा लो, ये हमने एक्स के बराबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाई 10। अब ये देखो यहाँ पे ये हमारी एल एच एस है इक्वल टू ये हमारी आर एच एस है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड साइड क्या है, 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 0.999, ठीक है। वो डैश डैश ये आगे रिपीटेड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लो, ये बन जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 एक्स इज इक्वल टू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 10 में एक ही जीरो है, तो एक जीरो मतलब एक डिजिट इधर जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.99, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। ये 9 इधर हो गया, ये पॉइंट इधर चला गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और देखो, ये हमारा आंसर आया मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको ये बताना है, इसको एक्स के अकॉर्डिंग बताना है, बताना है कि एक्स में और क्या प्लस करें तो ये बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस नंबर को एक्स से माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली जो डेसिमल प्लेसेस दोनों में बराबर होनी चाहिए जिनको माइनस करेंगे आप। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 9.999 कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ 0.999, ये माइनस किया, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 0.9 में से 0 गए तो 9 ही बचता है हमारा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर हम क्या करें, एक्स में से हम इसको माइनस करें, ठीक है, या एक्स में ये वाला, ये जो है ये इस एक्स में ये वाला ऐड कर दें तो हमारा ये वाला बन जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.000, या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 10x हमारा किसके बराबर है, एक्स प्लस खाली 9, खाली 9 भी लिख सकते हैं, 9.00 का कुछ मतलब नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं एक्स में, अगर इसको हमने इस तरह से तोड़ा। अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। तो 10x इस सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, 10x माइनस एक्स, ये इक्वल टू के इधर वाला x उधर चला गया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे x आएगा, सॉरी, ठीक है, ये x उधर चला गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और ये 9 है राइट हैंड साइड है तो ये ऐसा ही रहेगा। अब देखो इसको 10x में से x गए तो पीछे कितना बचा, 9x इक्वल टू 9, सिंपली कह दो x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 9 और ये 9 उधर जाके उसका वटा बन जाएगा, तो 9 1 9, हमारा x कितना आया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 1 है उसको क्या कह सकते हैं हम, इसका 1/1 वैल्यू जो है x की, उसकी वो क्या है 0.999 आ सकता है। तो यही इसका आंसर है, इसका रैशनल नंबर जो है ये होना चाहिए, यही इसका आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, 1/17 को इसके डेसिमल एक्सपेंड करो और ये बताओ कि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने हैं। ब्लॉक ऑफ डिजिट मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होते हैं। ठीक है, 17 का टेबल पढ़ो, 17 0 आर 0, ठीक है, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आएगा, ऊपर पॉइंट लगा लो नीचे 0 लग गया, ठीक है, फिर से अभी भी छोटा तो 17 0 आर 0 0 लिखेंगे, 10 में से 0 गए तो 0 0 आएगा, ठीक है, सॉरी 10 में से 0 गए तो 10 आएगा, 0 0 नहीं आएगा, 10 आएगा, तो अब पॉइंट लगाया हुआ तो 1 0 और लगा लो। अब 100 बड़ा हो गया 17 से, 17 का टेबल किस से पढ़े तो 100 के पास वाला नंबर आता है, देख लीजिए 17 5 आर, 17 5 आर कितना होता है, 85, 17 5 आर 85, ठीक है, 100 में से 85 माइनस किए तो पीछे कितना बचा, 15, 1 0 लग जाएगा क्योंकि ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है। अब 150, 17 का टेबल किससे पढ़ें तो 150 के आसपास आता है 8 आर, 17 8 आर 136, ठीक है, माइनस करते जाओ, 10 में से 6 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, 14, 1 में से 1 गया तो 0, 1 0 लग जाएगा, 140 हो गया। 17 का टेबल किससे पढ़ें तो 140 के आसपास आता है 8 आर, फिर से 17 8 आर 136, माइनस करो कितना बचा, 4 बचा, अब 1 0 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है। 17 का टेबल किससे पढ़ें तो 40 के पास आता है 2 आर, 72 आर 30, 72 आर 34, कितना बचा पीछे, 6 बचा, ठीक है, 40 में से 34 गए तो 6, फिर से 1 0 लग जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 17 का टेबल किससे पढ़ें तो 60 के पास आता है 17 3 आर 51, ठीक है, अब यहाँ से 10 में से 1 गए तो 9, 5 में से 5 गए तो 0, पॉइंट लगा हुआ है तो 90 हो जाएगा। 17 का टेबल किससे पढ़े तो 90 के पास आता है 5 आर 85, 17 5 आर 85, माइनस करते जाओ, 90 में से 5 गए तो 5, 1 0 लग जाएगा, 15, 50 हो जाएगा, अब 73 आर 51 होता तो 70 हम करेंगे 72 आर 34, ठीक है, बड़ा हो जाएगा इससे 3 से करेंगे तो 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 116, तो 1 0 फिर से लग जाएगा, 160 हो गया। अब 160 किसके पास आ रहा है, यहाँ पे 179 आर 153 आता है, 9 आर 153, माइनस करेंगे, अब इससे आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 160 में से अगर 153 माइनस किए तो बचा 7, ठीक है, 1 0 लग जाएगा, इसके आगे ही डिवीजन में उधर कर रहा हूँ, 13 का इधर ही लिखूंगा इसी के आगे, ठीक है। तो 17 का टेबल किससे पढ़ें तो 70 के पास आता है, ठीक है, 17 4 आर 68, बचा कितना,
टू बचा, ठीक है। अब देखो फिर से 20 बन गया, एक जीरो लगाया, पॉइंट लगाया हुआ है, तो 2017 का टेबल किससे पढ़ें, तो ये 20 के से कम आता है, 17 वन आर 17, तो 20 में से 17 गए तो 3 बचा, जीरो लग जाएगा, 17 वन आर 17, फिर से 30 में से 17 गए तो कितना बचा पीछे 13, ठीक है, एक जीरो लग जाएगा, 130 है, 17 का टेबल किससे पढ़े तो 130 के पास आता है 7R, 119, 119, ठीक है। माइनस करो 10 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, जीरो लग जाएगा, 110 हो जाएगा फिर से, तो 110 में 17 6R 12, देखो कहीं पीटिंग ब्लॉक आर्स में नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आया, ठीक है, तो ये चलता ही जा रहा है, 110 में से 102 गए तो 8 बचा, ठीक है, 80 हो जाएगा, 17 फोर आर 68, ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 6 गए तो 1, 120 हो गया फिर से, ठीक है, 120 किसके पास आ रहा है, 17 सेवन आर 119, 1 बच रहा है, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा फिर से 70, 0 आर 0 करेंगे, देखो अब यहाँ पे 0 पे पहुँचा दोबारा से, तो 10 में से 0, 10 नहीं बचा, अब 0 लग जाएगा 100, तो 70 कितने आर 100 होगा, 17 100 के पास 75 आर 85, तो देख लीजिए अब यहाँ के इसके बाद दोबारा से ये रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एक बार डिवाइड होता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ के बाद इसके बाद दोबारा से 0588 फिर से यही आना शुरू हो जाएगा, आप कर सकते हैं आगे ऐसा ही होगा, तो इसमें रिपीटिंग देख देख लो कितने ब्लॉक आ रहे हैं, 0.588823529411767, तो इतने डिजिट्स हैं रिपीटिंग, मतलब ये पूरा रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे डिजिट जो हैं रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद अगर दोबारा हम और भी डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा, दोबारा से यही बराबर बराबर आते जाएंगे। अब ये पूरा क्या है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 डिजिट ब्लॉक है, ये कितना है 15 डिजिट ब्लॉक जो है वो क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, बार बार यही आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। अब आपको ये डिवाइड करना तो आता होगा, ठीक है, इसमें बस क्या करना है, एक बार पॉइंट लगा दिया तो एक एक जीरो नेम और लगाते जाना है, ठीक है, यही है इसका, यही आंसर होगा, ठीक है। ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके, हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, हमने डिवीजन करके चेक कर लिया है, ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 6 7 8 और 9 जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपने रियली इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है ये करने में।